पेरिस के बाहरी इलाके नानगरी नाराजगी का आलम यह कि सड़क पर एक भी गाड़ी सुरक्षित नहीं दिख रही। पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ आम लोगों की सैकड़ों कार आग के हवाले की जा चुकी है। भीड़ ने न कारों को छोड़ा है, न पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बख्शा है। पुलिस अफसर गाड़ियां छोड़कर भाग रहे हैं और जनता गाड़ियों को आग के हवाले कर रही है। लोगों के गुस्से के आगे सब कुछ स्वाहा नजर आ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, ना गाड़ियों में आग और मकानों को जलाने से मन नहीं भरा तो एक प्रदर्शनकारी ट्रक लेकर पहुंच गया और ट्रक से उसमें तोड़फोड़ करने लगा। ना आसपास पुलिस नजर आ रही है, ना शॉपिंग मॉल के कर्मचारी। फ्रांस में पिछले चार दिन में सैकड़ों मकान जलाए जा चुके हैं। सबसे बड़ी लाइब्रेरी को जलाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आग के बाद ये लाइब्रेरी पूरी तरह से जल चुकी है। इस तरह की हजारों किताबें इस पागलपन की भेंट चढ़ चुकी है। फ्रांस के प्रदर्शन ने अमेरिका में अश्वेतों के गुस्से की याद ताजा कर दी, जहां दंगों के दौरान लूटपाट हुई। यहां भी दंगाइयों ने जमकर किसका फोन आ रहा देखो तो, और स्टोर में लूटपाट की। पेरिस के नाइकी के स्टोर में किस तरह लूटपाट हुई इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसी तरह स्ट्रासबर्ग शहर में भी एप्पल के स्टोर में लूटपाट हुई है। मार्से की लाइब्रेरी को जलाने की गूंज पूरी दुनिया भर में सुनाई दे रही है। कहीं लोग आहत हैं तो कहीं फ्रांस के प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट रहा है। भारत भी इससे अलग नहीं है। यूपी के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने मार्स लाइब्रेरी जलाए जाने की तुलना नालंदा विश्वविद्यालय विध्वंस से कर दी। त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा कि सैकड़ों साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय के बौद्ध गुरु श्री भद्र ने इलाज कर जिस बख्तियार खिलजी की जान बचाई, उसी खिलजी ने जान बचते ही पूरा नालंदा विश्वविद्यालय भूत डाला। फ्रांस ने जिन शरणार्थियों को प्यार से शरण दी, दुलारा, पुचकारा, खिलाया पिलाया, वे ही आज फ्रांस या तो भूख। फ्रांस में हिंसा की शुरुआत पेरिस के बाहरी इलाके नानतेरे में पुलिस गाड़ियों को रोक कर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उसने अल्जीरियाई मूल के 18 साल के लड़के नाहिल एम को रोका। पुलिस ने जब नाहिल एम से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो उसने आगे बढ़ा दी। पुलिस ने फौरन गोली चलाई जो मौत हो गई। जैसे ही ये खबर फैली कि पुलिस ने एक इमिग्रेंट अफ्रीकी को गोली मारी, बवाल मच गया। पूरे देश में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। नाहिल की मां भी प्रदर्शन में शामिल हुई और अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगा। आरोप लगाया कि उनके बेटे को इसलिए गोली मारी गई क्योंकि वो अफ्रीकी मूल का है। हालांकि पुलिस ने ये आरोप खारिज कर दिया। पुलिस के मुताबिक नाहिल को इसलिए रोका गया क्योंकि वो पोलैंड की लाइसेंस प्लेट की मदद से फायरिंग करने वाले पुलिस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन इसके बावजूद भीड़ का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रांस में कैसे हालात हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक करीब 2000 गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। करीब 4000 घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने अभी तक 1900 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूरे फ्रांस में 45,000 जवानों को सड़कों पर तैनात किया गया है। avec une priorité, le retour de l'ordre républicain sur tout le territoire. Des individus très violents, notamment très jeunes, qui s'en prennent à nos commissariats, à des mairies, à des équipements publics, Et je veux vraiment souligner que ces individus ne sont évidemment pas représentatifs des habitants qui sont tout aussi choqués que nous et des élus qui sont eux-mêmes pris à partie par ces individus violents. जिस वक्त फ्रांस में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूरोपीय यूनियन की बैठक के लिए ब्रसेल्स में थे। वो अपने देश में लगी आग बुझाने के लिए बैठक अधूरी छोड़कर वापस लौटे। उस वक्त कहा जा रहा था कि मैक्रों फ्रांस में इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं।
मैक्रों ने देश में इमरजेंसी तो घोषित नहीं की, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी बैठक, उन्होंने स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हिंसा, साथ ही पेरेंट्स अपील की कि वो अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें। Au-delà de ces remerciements et de ces décisions que nous avons prises, en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, que nous condamnons, que nous appréhendons et qui sont judiciarisés. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. France ki World Cup winning team ke football star Mbappé ne hinsa khatm karne ki appeal ki. Mbappé ne bayan jari kar kaha hai ki hinsa se kuch hasil nahi hoga. अपनी राय जाहिर करने के लिए और भी शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके हैं। ये शोक, बातचीत और पुनर्निर्माण का समय है। एम्बापे की अपील अहम है क्योंकि वो न केवल फ्रांस में बेहद लोकप्रिय है, बल्कि वो उसी अफ्रीकी मूल के हैं जिस समुदाय के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा गदर मचाए हुए हैं। फ्रांस में अफ्रीकी मूल के लोग पहले से ही नस्लवाद, भेदभाव और बेरोजगारी को लेकर पहले से ही खौल रहे थे। ऐसे में नाहेल की हत्या ने चिंगारी का काम किया। नतीजा, फ्रांस पिछले कई दशक के सबसे गंभीर हिंसा का सामना कर रहा है। वैसे फ्रांस पुलिस की आज असल परीक्षा होनी है, क्योंकि नान तेरे में नाहेल के अंतिम संस्कार में हजारों लोग जमा होंगे। पुलिस इससे कैसे निपटती है, इस पर सभी की नजरें। इंडिया टीवी, हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर। नंबर फोर आगे बढ़ जाओ, ऐसे दौड़ दौड़ के वो तुम्हें निपटा देंगे, कवर पे रहो। Thank you.
Watch out! Watch out! Marked a location. Marked a location.